ओके तो ये हमारे पास एस एम पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। लास्ट वीडियो में हमने 30 कर लिए थे ना, 31 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो टॉप टू बॉटम हम जितना आते हैं ना, तो उनकी जो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। बेरियम की साइज इनमें हाईएस्ट है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास सबसे कम होगी। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम। कार्बन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन प्लस में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सेकेंड एनर्जी पोटेंशियल ऑफ अल्कली मैटर, अगर अल्कली 3s1 है ना, 2p6 3s1, अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन हटा देना तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस वाली हमारे पास बन जाती है, नोबल गैस वाली बन जाती है, ठीक है, और उनकी एनर्जी एनर्जी सबसे हाइएस्ट है। फिर हमारे पास कहा गया कार्बन एग्जिस्ट एज एलोट्रोप विच आर डिफरेंट क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर वेयर इज ग्रेफाइट इज अ, क्योंकि ग्रेफाइट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मोर द एनर्जी एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट लेफ्ट टू राइट, हम जितना जाते हैं एनर्जी एनर्जी बढ़ती है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट पीरियड हैज बीन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट पहले इंक्रीज होता है फिर हमारे पास डिक्रीज, क्योंकि बाद में नॉन पोलर कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये सी वाला ऑप्शन। एलॉन्ग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यस, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। अच्छा देखो ना, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास फुल फील्ड होती है ना, उनकी एनर्जी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, तो इस बी सी वाले में देख लो इसमें सबसे हाईएस्ट है, बाकी इसमें इसने कम लिखे हुए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें देख लो बी वाले में इसने नाइट्रोजन को लिखा हुआ है कि कार्बन से कम है, नाइट्रोजन की तो सोडियम से भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर पड़ा है और इसमें कम लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्मॉलेस्ट रेडियस, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका रेडियस उतना स्मॉलेस्ट, ये बी वाला ऑप्शन देख लो, सिलिकॉन प्लस 4। कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज करेक्ट, लिथियम इधर पड़ा है, बेरिलियम फिर बाद में पड़ा है, तो लिथियम की साइज हाईएस्ट होगी बेरिलियम से, डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1A बिकॉज़, क्योंकि जो ग्रुप 2A है ना उसके वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन है, बाइंडिंग के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए फिर उनके में 2 बॉन्ड बनते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनकी ज़्यादा हो जाती है। द यूनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन वो हमारे पास 136 पिकोमीटर है, ठीक है। एच सी एल हाइड्रोजन का अगर पूछ ले वो हमारे पास 37 पिकोमीटर है, सी एल का हमारे पास 98 पिकोमीटर है, एच सी एल का पूछ ले तो वो हमारे पास आई थिंक 136 कैलकुलेटेड है, और अगर एक्सपेरिमेंटल कर लेना वो हमारे पास, यानी जो उनके कैलकुलेटेड है वो 126 है, बट ये तो अब हेट्रोन्यूक्लियर है ना, तो इनका फिर फोर्सेस होगी वो ज़्यादा हो जाती है, तो 136 फिर हो जाता है, 127 से 136। सी एल टू हमारे पास 198 पिकोमीटर है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ए एंड टू ए ग्रुप डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ रही है तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास कम हो जाती है। ये देखो फिर अगेन, अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट के वो पहले इंक्रीज होती है एक हद तक, फिर डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि नॉन पोलर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का स्केच है। हेलोजन हैविंग ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब में से हाइएस्ट, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछते तो वो फ्लोरीन है हमारे पास। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, तो सिर्फ लिथियम बनाता है, फिर उसके बाद सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटाशियम तो सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सके, अब आई टू में तो हमारे पास लंडन डिस्पर्सन फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो एफ टू में हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास एफ टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लंडन फोर्सेस सबसे कम है, ये इजीली हम इनको तोड़ सकेंगे और इलेक्ट्रॉन हम दे सकेंगे फिर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्यों, क्योंकि लंडन फोर्सेस बढ़ रही हैं हमारे पास। फिर है इन विच आर द फॉलोइंग, ये तो अब बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा MCQs। अच्छा 50, विच आर द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैज लार्जेस्ट साइज, जिसमें नेगेटिव में चार्ज जिसका ज्यादा होता है उसकी साइज हाईएस्ट होती है, और पॉजिटिव में चार्ज जिसका हाईएस्ट होता है उसकी साइज सबसे लोवेस्ट होती है हमारे पास, ठीक है, स्मॉलेस्ट होती है। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी,
तो नोबल गैसेस की हाईएस्ट होगी अर्गान, विच ए मेटल ऑफ सेकेंड ईयर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम नीचे पड़ा है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो इट्स लोअर देन मैग्नीशियम। ठीक है, फिर है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इन द एलिमेंट विच डज एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन के, और सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप में है हमारे पास। कंसिडर आयन पेयर लिस्टेड बिलो इंडिकेट फॉर विच पेयर डज द सेकेंड आयन लार्जेस्ट, तो माइनस टू लार्जर होगा, माइनस वन से डी ऑप्शन करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव, बेरिलियम, देखो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही साइज छोटी है। अल्कली मीन एशेज, मतलब है द शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लायर ऑफ ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड सर्फेस, इट इज टू बर्न इट इन सो कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन। इन एम शेल, एम शेल थर्ड शेल है, तो तीन सब शेल होंगे एस पी एंड डी। 61 है, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड द न्यूक्लियस इन ग्रुप मूविंग डाउन, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सिग्निफिकेंटली, सो द साइज भी टॉप टू बॉटम साइज भी हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है। एबनॉर्मल बिहेवियर एक सेकंड ग्रुप वाले शो करते हैं जिसमें मैग्नीशियम आ गया हमारे पास, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि फुल फील्ड इनमें एस सब शेल होता है। इसी तरह फिफ्थ ग्रुप में फास्फोरस आ गया जिसमें हाफ फील्ड पी सब शेल होता है, तो सेकंड और फिफ्थ ग्रुप ए ऑप्शन करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सो फर्स्ट एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है बट उनकी साइज बढ़ रही है, फिर ठीक है फोर्सेस कम हो रहे हैं, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल जो है लंडन फोर्सेस उनमें होती हैं ना नॉन मेटल में, तो उनके हमारे पास साइज के साथ डायरेक्ट है तो वो इंक्रीज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एस एट, क्योंकि इसमें एटम सबसे ज्यादा है। एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हैज बीन रिपोर्टेड फॉर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट बी, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस इज लेस देन सिलिकॉन, फास्फोरस में नॉन पोलर फोर्सेज हैं, लंडन फोर्सेज हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई। अच्छा, स्पीशी हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2 3p6 व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट द स्पीशी, 3s2 3p6 किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, ये अर्गान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस और क्लोरीन अर्गान। अब कह रहे इट्स साइज कैन बी हायर देन द साइज ऑफ अर्गान, इनकोरेक्ट बात रही, क्या कर रहे हैं अर्गान के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, अर्गान को अर्गान के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी हायर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी कैन बी लोअर देन द एनर्जी अर्गान, इट्स इलेक्ट्रॉन काउंट कैन बी लोअर देन द ऑफ अर्गान माइनस, विच इज इनकोरेक्ट अबाउट द स्पीशी, मगर ये पता नहीं किसके साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है, 3s2 3p6 अर्गान के, शायद यहाँ पे कोई और एलिमेंट हो बट इसने अर्गान लिख दे हो। अच्छा, इट आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन लीस्ट साइज इज लिंक टू द आयन विस्ट लीस साइज, जिसकी साइज कम होगी तो उसका नेगेटिव चार्ज भी हमारे पास कम होगा। और लास्ट वन हम करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, द मेटल दैट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर, तो दैट्स मैग्नीशियम, बेरिलियम तो बिल्कुल करता नहीं है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है ना हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना, हार्ड वाटर के साथ फॉर्म ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लायर बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है, ये अगर होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट मुझे तो लगता है इट्स रॉन्ग, क्योंकि देखो ना 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भी अर्गान की, फिर कह रहे व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्पीशी, इसको हम क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।